हेलो, अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल है बेटा? खैरियत से? हम लोग ठीक ठाक हैं। बेटा, आज जो हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो सेट ऑफ रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर कर रहे हैं, ठीक है ना? इसके आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके सामने स्क्रीन पर नजर आ रहे होंगे। आपके पास पेपर के क्वेश्चंस हैं और ये इस साल के लिए भी बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, तो इनको सॉल्व करते हैं बारी बारी। तो सबसे पहले हम कर रहे हैं फाइंड द एडिटिव एंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ठीक है ना? हमें क्वेश्चंस किस तरह से गिवन है, या तो हमें पॉइंट्स में क्वेश्चन गिवन है, ठीक है? ये पॉइंट्स में हमें क्वेश्चन गिवन है, इसका हमें क्या निकालना है? एडिटिव इनवर्स निकालना है और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है। तो पॉइंट्स के अंदर अगर एडिटिव इनवर्स निकालना हो तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है? ये पॉइंट्स में अगर वैल्यू दी हुई है ए कॉमा बी, तो ये जो इसका एडिटिव इनवर्स होता है वो क्या होता है? ए कॉमा माइनस बी होता है। तो आपको ये बात पता है कि ए जो है कॉमे से पहले जो होता है वो रियल नंबर होता है, और कॉमे के बाद जो होता है ये इमेजिनरी नंबर होता है, ठीक है ना? तो रियल नंबर में कोई फर्क नहीं पड़ता, ये इसका साइन वैसे का वैसे ही रहेगा, जबकि इमेजिनरी नंबर का क्या होता है वो उसका साइन आपका इन्वर्स हो जाता है। अगर ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, और अगर प्लस है तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो जस्ट लाइक अगर 1, -3 है, तो जस्ट लाइक आपका 1, -3 है, तो इसका आपका एडिटिव इन्वर्स क्या होगा? 1 तो ऐसे ही रहेगा, -3 का क्या हो जाएगा? ये 3 हो जाएगा। तो सिर्फ और सिर्फ इसका क्या हुआ कि इसका एडिटिव इन्वर्स जो है बराबर किससे हो गया? 1, 3 के। इसी तरीके से आपके पास वैल्यू क्या है? 2, -3 आयोटा। तो अब देखिए यहाँ पर जो है ये जो वैल्यू है वो क्या है? ये पॉइंट तो नहीं है। अब ये कंडीशन जो है, क्या कंडीशन है आपके पास? ये कंडीशन है 2, -3 आयोटा। तो इसका अगर मैं एडिटिव इन्वर्स निकालूं तो मैं कहूंगा कि भाई इसको मैं अगर पॉइंट में कन्वर्ट कर दूं तो ये हो जाएगा 2, -3। तो याद करिएगा, जहाँ पे जब भी कभी भी क्या हो सकता है कि मैं कहूँ कि अगर 2, -3 लिखा है तो ये 2 जो है ये क्या है? ये इमेजिनरी नंबर है, तो रियल नंबर है, तो रियल नंबर होता है ए, ठीक है ना? फिर यहाँ पे साइन क्या है? प्लस है, ये फॉर्मूले का प्लस होता है। बी जो होता है ये ए होता है और ये होता है बी, तो फॉर्मूला होता है ए प्लस बी आई। फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस बी आई, ये फॉर्मूला है इसका। तो ए की वैल्यू कितनी है? 2 है, प्लस प्लस बी की वैल्यू क्या है? -3 है, एंड देन आयोटा आयोटा। तो मैं इस पॉइंट को इस इक्वेशन जैसा लिख सकता हूँ, ठीक है ना? इस पॉइंट को मैं इस इक्वेशन जैसा लिख सकता हूँ और इस इक्वेशन को इस पॉइंट जैसा लिख सकता हूँ। तो अगर पॉइंट्स में गिवन है तो अगर आप इसको इस तरह करना चाहें तो ये इक्वेशन में कन्वर्ट हो गया, और अगर आप इसको पॉइंट में कन्वर्ट करना चाहें तो ये पॉइंट में कन्वर्ट हो गया। तो मैंने कहा मुझे ये चीज पता है, 2, -3 आयोटा पता है, तो मुझे इसको क्या करना है? पॉइंट में कन्वर्ट करना है, क्योंकि पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है? ए कॉमा माइनस ए माइनस बी, ए कॉमा माइनस बी। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले मैंने क्या किया, इसको मैंने पॉइंट में कन्वर्ट कर दिया, तो पॉइंट में कन्वर्ट और 2 हो गया, और ये क्या हो गया? -3 हो गया। तो ए क्या हो गया? 2 हो गया। बी क्या हो गया? -3 हो गया। तो बिल्कुल ऐसे ही यहाँ पे आपने क्या किया, पॉइंट को इसमें कन्वर्ट किया और इसको भी आपने वापस पॉइंट में कन्वर्ट कर दिया। तो इस तरह भी शो कर सकते हैं, इस तरह भी शो कर सकते हैं। सवाल या तो इस तरह से आएगा या फिर सवाल इस तरह से आएगा। अगर इस तरह से सवाल आया तो आप क्या करें, इसको पॉइंट में कन्वर्ट कर दें वापस, ठीक है ना? तो मैंने इसको क्या किया, पॉइंट में कन्वर्ट कर दिया। अब मैं कहूँ इसका मुझे क्या मालूम होना चाहिए? एडिटिव इन्वर्स मालूम होना चाहिए। तो एडिटिव इन्वर्स क्या आएगा इसका? एडिटिव इन्वर्स आएगा आपका 2, -3। इन सब का भी ऐसे ही होगा। तो सिर्फ एक ये वाला पार्ट था जो कि क्या था, आपका पॉइंट्स में नहीं था, बाकी तमाम वैल्यूज हैं देखो आपके पॉइंट्स में। 5, 2, 3, -4, 3, -5। तो ये आपका क्या है? ये आपका एडिटिव इनवर्स हो गया। अब इसके बाद हम निकाल रहे हैं इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ठीक है? तो अब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कैसे निकालते हैं, अब ये समझते हैं मल्टीपल इनवर्स कैसे निकलेगा इसका। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का निकालने का जो फॉर्मूला है वो होता है ए कॉमा बी और इज इक्वल टू ए डिवाइड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमा माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब ये जो फॉर्मूला है ना, ये किसका फॉर्मूला है? ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का फॉर्मूला है। तो अब इस फॉर्मूले से हमें क्या करना है, इसको सिंपलीफाई करना है। अब पता है कि मैं कहता हूँ कि मुझे ये वाला पॉइंट पता है, मैं ये वाला पॉइंट 5, 2 पढ़ता हूँ या 3, -4 कहता हूँ, इसमें इस सवाल को लेता हूँ, तो उसके अंदर ए क्या है? 3 है, और बी क्या है? -4 है, ठीक है ना? मैंने कहा ए जो है वो 3 है और बी क्या है? -4 है। तो इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दो, ए की जगह पे क्या आ गया? 3 आ गया,
ए स्क्वायर की जगह पे क्या होगा, 3 का स्क्वायर क्या होगा, 9 होगा, प्लस प्लस बी स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर क्या होगा, 16 होगा, कॉमा माइनस बी, तो माइनस फॉर्मूले का ये रहा, बी जो है वो माइनस 4 है, ये माइनस 4 आ गया, डिवाइड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो यहाँ पे लिखा हुआ है नीचे वो यहाँ पर भी वही आएगा, 9 प्लस 16, नहीं जो ये लिखा हुआ है वही ये आएगा, तो ये क्या हो जाएगा आपका, पॉइंट में कन्वर्ट हो जाएगा। अब मैं कहूँ कि 3 डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो गया, और 4 डिवाइड बाय 25, ठीक है ना। तो इस वैल्यू का मैंने कहा कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या है, तो ये इसका क्या आ गया, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आ गया, कुछ भी नहीं, फॉर्मूला ये आपके पास गिवन है, कॉमे से पहले जो होता है वो ए होता है, कॉमे के बाद जो होता है वो बी होता है, तो ये आपके पास इसका आंसर डन। अब यहाँ पे आपने क्या सीखा, आपने सीखा ये जो है वो क्या है, एडिटिव इनवर्स है, और ये जो है वो क्या है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। तो किसी भी चीज का अगर एडिटिव इनवर्स और मल्टीप्लिकेटिव पूछे तो आप इस तरह से इसका निकाल सकते हैं, ठीक है। तो अब क्या करें, यहाँ पे क्या होगा, सॉल्व द कॉम्प्लेक्स इक्वेशन, क्या करना है यहाँ पे, उसको सॉल्व करना है, तो सॉल्व अगर करना है तो ये रहा, अब इसको सॉल्व करते हैं, क्या गिवन है आपको, एक्स कॉमा वाई और 2,3 और 5,8, तो इसको करने के दो मेथड हैं, ठीक है ना। अब वो क्या मेथड है कि आप इसको क्या काम कर सकते हैं, एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है आपने, एक्स और वाई की वैल्यू निकालने के लिए अगर तो मैं पहला सवाल लेता हूँ, तो पहले सवाल में क्या है, एक्स कॉमा वाई 2,3 इज इक्वल टू 5,8, अब इसको सिंप्लीफाई कर दो, क्या करें, ये दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो मल्टीप्लीकेशन का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, कि दो वैल्यू को अगर मल्टीप्लाई करना हो तो मल्टीप्लाई करने का फॉर्मूला क्या है, तो मैंने कहा ए कॉमा बी मल्टीप्लाई करें किससे, सी कॉमा डी, ये बराबर होता है किसके, ए सी माइनस बी डी कॉमा ई डी प्लस बी सी, ये फॉर्मूला है, ठीक है ना। अब इन दोनों को आपस में क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो इसका मतलब ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये डी हो गया, ठीक है। तो फॉर्मूले मल्टीप्लाई करते हैं, क्या लिखा हुआ है, ए सी माइनस बी डी, तो ए सी का मतलब, ए सी का मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, माइनस बी डी, बी डी ये रहा बी डी, ठीक है ना। तो एक्स को मल्टीप्लाई किया इससे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x माइनस bd, यानी 3y, ये कॉमे से पहले हो गया, कॉमे के बाद जो है वो क्या हो जाएगा, ad प्लस bc, तो ad क्या है, ad x और 3, यानी ये ad है, तो x को 3 से मल्टीप्लाई किया तो क्या हो जाएगा, ये 3x हो जाएगा, प्लस प्लस bd, b क्या है, bc, ये हो जाएगा y को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये क्या हो जाएगा, 2y हो जाएगा, इज इक्वल टू 5,8, ठीक है। तो अब यहां से आप क्या करें, यहां से अब इसको इक्वेट कर लें, कंपेयर कर लें, तो कंपैरिजन कैसे होता है, कॉमे से पहले वाली वैल्यू कॉमे से पहले वाली वैल्यू से कंपेयर होती है, और कॉमे के बाद वाली वैल्यू कॉमे के बाद वाली वैल्यू से कंपेयर होती है, तो कंपेयर करेंगे यहाँ पे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 5, ये इससे कंपेयर हो गया, ठीक है ना। और दूसरा 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 8, अब ये बन गई आपकी साइमल्टेनियस इक्वेशन बन गई, ठीक है ना। तो साइमल्टेनियस इक्वेशन बन गई, अब यहाँ से एक्स वाई की वैल्यू निकाल दें, एक्स वाई की वैल्यू कैसे निकलेगी, ये बन गई इक्वेशन नंबर 1 और ये बन गई इक्वेशन नंबर 2, तो यहाँ से या तो एक्स को सेम कर दो या फिर वाई को सेम कर दो, एक्स को सेम करने के लिए क्या करते हैं, इन दोनों के नंबर्स जो हैं वो क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए, तो इनके नंबर्स को आपस में क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा 2, 3 जा 6, तो इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से और इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, पूरी इक्वेशन को, ताकि इसके नंबर क्या हो जाए, सेम हो जाए, तो 3 से इस पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं 3 से, तो क्या हो जाएगा 3 2 जा
सिक्स एक्स एंड देन थ्री थ्री जा 9y और 3 5 जा 15, ठीक है ना। अब ये पूरी इक्वेशन जो मल्टीप्लाई किससे होगी, 2 से होगी, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4 और 2 8 जा 16। अब इसको क्या कर दें, सब्ट्रैक्ट कर दें, माइनस माइनस माइनस, एक्स क्या हो गया, एलिमिनेट हो गया, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, माइनस का 13y is equals to 15 minus 16 is minus 1. So the value of y is, y की जो value आई है वो कितनी आई है, 1 upon 13, ठीक है ना। अब y की value इन दोनों में से किसी भी equation में put कर दो, यानी अगर मैं equation number 2 में put करता हूँ इसको, तो क्या हो जाएगा, equation number 2 में put करा, put y equal to minus 1 upon 13 इन इक्वेशन नंबर 2, 2 क्या है, 3x plus 2y is equals to 8. अब यहाँ पे y की जगह पे y की वैल्यू रख दो, x तो x ही रहा, 2y y की जगह पे आ जाएगा 1 upon 13 is equals to 8, ठीक है। अब यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए आप, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3x plus 2 upon 13 is equals to 8, यहाँ से x के लिए निकालनी है, तो ये यहाँ प्लस में है, वहाँ जाके क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, 2 अपॉन 13, एलसीएम निकालना है, 8 को जब 13 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या आना चाहिए, 8 मल्टीप्लाई बाय 13 इज 104, माइनस और 2 भी कर दिया, 104 माइनस 2 हो जाएगा 102 डिवाइड बाय 13, ये हो गया 3x। तो अब यहाँ पे इस कंडीशन में आप ये 3 और 102 आपस में कैंसिल कर सकते हैं, तो 102 को तो अगर 3 से डिवाइड करें तो देखो क्या आता है, 34 आता है, तो इसका मतलब 3 1 जा और 3 34 जा, इसका मतलब x की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई, 34 अपॉन 13, ये आ गई आपकी x की वैल्यू, ठीक है। तो x भी आ गया और y भी आ गया, आपकी वैल्यू क्या हो गई, सॉल्व हो गई, ठीक है। तो ये हो गया आपका आंसर। एक तरीका तो ये हो गया कि आप इसको मल्टीप्लाई करते हुए काम कर सकते हैं, एक और तरीका है कि आप इसको और किस तरीके से काम कर सकते हैं। इस कंडीशन में अगर मैं इस पॉइंट को, ये 2,3 जो है वो x, y से क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो वहां जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x, y इज इक्वल टू 5,8 डिवाइडेड बाय 2,3। तो अब इससे होगा क्या, इससे काम ज्यादा आसान हो जाएगा, बनिस्बत जो आपने ये वाला काम किया है इस वाले काम से, ये वाला काम ज्यादा आसान है। कैसे, ये वाला काम कैसे आसान है, दो पॉइंट्स अगर डिवाइड हो तो डिवाइड में फॉर्मूला कौन सा अप्लाई होगा, तो डिवाइड के लिए फॉर्मूला जो बेटा अप्लाई होता है वो क्या होता है, ए कॉमा बी डिवाइड बाय सी कॉमा डी, ये बराबर होता है किसके, ए सी प्लस बी डी डिवाइड बाय सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे क्या आएगा, बी सी माइनस ए डी डिवाइड बाय सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। अब इससे फायदा क्या हुआ भाई, ये फॉर्मूला अप्लाई करने से फायदा क्या हुआ, अब देखो ऊपर वाली जो वैल्यू है ये क्या है, ए बी सी डी, कोई वेरिएबल है इसमें नहीं, कोई वेरिएबल इसके अंदर नहीं है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जब आप इसके अंदर ए बी सी डी की वैल्यू पुट करोगे तो वेरिएबल तो होगा ही नहीं, तो वैल्यू के पुट करने के बाद क्या हो जाएगा, इसका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। जस्ट लाइक मैं अगर इसको सॉल्व करता हूँ, तो मैं इसको यहाँ पे सॉल्व करके देखता हूँ आपके लिए, तो यहाँ पे ये चीज को थोड़ा इग्नोर कीजिएगा, यहाँ पे मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूँ, देखना क्या किया मैंने, मैंने किया इस वाली वैल्यू को करें यहाँ मैं, ताकि मैं आपके लिए यहाँ पे मार्क कर दूं कि हम इस क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं। तो हुआ क्या, ए बी सी डी, तो आपने कहा ए जो है ये बराबर है किसके, 5 के, बी जो है ये बराबर है किसके, 8 के, सी जो है ये बराबर किसके है, 2 के, और D जो है ये बराबर किसके है, 3 के, ये सारी वैल्यू इसमें आ गई। अब इसमें फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दो, A को C से करो मल्टीप्लाई, क्या लिखा हुआ है, A को C से करो
मल्टीप्लाई, तो जब ए को सी से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, तो 5 2 10 ये आ गया, प्लस प्लस बी डी, तो बी को डी से करो मल्टीप्लाई, बी और डी, तो 8 3 24 डिवाइड, फिर क्या है सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, सी क्या है 2 का स्क्वायर 4 और 3 डी का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9, ये हो गया। फिर बी मल्टीप्लाई बाय सी, तो बी और सी को मल्टीप्लाई कर, तो 8 2 16 माइनस माइनस ए डी, ए को डी से करो मल्टीप्लाई, 5 3 15 डिवाइड बाय सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, तो यही होगा 4 प्लस 9, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, क्या बना, ये हो जाएगा 34 डिवाइड बाय 13, और दूसरा वाला क्या बना 1 अपॉन 13, इसका मतलब एक्स की वैल्यू जो है वो 34 अपॉन, ये आपकी एक्स की वैल्यू हो गई और ये आपकी वाई की वैल्यू, कॉमे से पहले एक्स होता है, कॉमे के बाद क्या होता है वाई होता है, देखो यहाँ पे ये था। तो देखें आप अगर इस क्वेश्चन को, तो ये तो एक लाइन में सॉल्व हो गया ना, जबकि इसके लिए आपने पूरा ये काम किया था, इसके लिए पूरा आपने ये काम किया, तो बताएं आसान कौन है इनमें से, आसान कौन सा, ये पूरा प्रोसीजर वाला आसान है या फिर ये जस्ट इस फॉर्मूले के अंदर वैल्यू पुट की ये आसान है। आई होप कि आपको ये आसान लगेगा, ये वाली वैल्यू ज्यादा आसान है, ठीक है। तो मैं प्रेफर यही करूंगा कि आप जो है वो इस वाले क्वेश्चन को कीजिए, इस फॉर्मूले से कीजिए। आई होप कि आपको ये दो क्वेश्चन जो है वो ये वाला और एडिटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स और सॉल्व द इक्वेशन का सवाल क्लियर हुआ होगा। तो जैसा कि ये वाला पार्ट किया है हमने, ये वाला पार्ट भी बिल्कुल वैसे ही होगा। अब ये दोनों कैसे हो, ये भी और ये दोनों एक जैसे हैं, अब ये कैसे हो, तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, ये चीज आप कॉपी कर लीजिएगा। मैं क्या कर रहा हूँ, इसको यहाँ से ड्रॉप कर रहा हूँ ताकि जो है मैं इसको काम कर सकूँ, लेकिन आप इसको कॉपी कर लीजिएगा अपने पास, वीडियो को रिवाइंड करके जैसे भी चाहें आप, तो ठीक है। तो अब ये कैसे होगा भाई, ये वाला क्वेश्चन कैसे होगा, इस वाले क्वेश्चन को देखते हैं। अब क्वेश्चन जो कर रहे हैं वो ये वाला कर रहे हैं, क्या क्वेश्चन है, पार्ट नंबर 3 क्या है, एक्स प्लस 2 वाई आयोटा का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स आयोटा, क्या करें भाई इसके अंदर, ये भी आपके बुक का क्वेश्चन नंबर 3 है, ये भी आपके बुक का क्वेश्चन नंबर 3 है। तो यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए, क्या फॉर्मूला, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस 2 ए की वैल्यू ये रही, बी की वैल्यू है 2 वाई आयोटा प्लस बी स्क्वायर, यानी 2 वाई आयोटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स आई, तो इस पर फॉर्मूला आपने अप्लाई कर दिया। अब इसको और सिंप्लीफाई कर दीजिए, क्या हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर प्लस 2 2 4 एक्स वाई आयोटा प्लस 2 का स्क्वायर 4 वाई आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स आयोटा, ठीक है ना। अब क्या करें इसके अंदर, इसके अंदर आप कर दीजिए, ये जो आयोटा स्क्वायर था इसका स्क्वायर निकाला आपने, तो सिंस आयोटा स्क्वायर जो है ये बराबर होता है -1 के, तो अब ये हो क्या जाएगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4 xy और आयोटा प्लस, अब इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, इसकी जगह पे -1 आ जाएगा, ठीक है ना, और ये हो जाएगा आपका एक्स आयोटा, वाई को मैं रब कर दूं ताकि खत्म हो जाए। अब इसके बाद क्या करें, ये एक्स स्क्वायर ऐसी रहा, 4 xy आयोटा ऐसी रहा, प्लस माइनस माइनस हो गया, ये हो गया 4y इज इक्वल टू एक्स आयोटा, ठीक है। अब क्या करें, एक्स वालों को एक जगह पे कर दीजिए, जिसमें एक्स नहीं उनको एक जगह पे कर दीजिए, इसका मतलब ये हो गया कि यहां से अगर मैं एक्स वालों को एक जगह पे करूं तो ये होगा क्या, ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस 4 xy
आयोटा, ये यहाँ प्लस में हमारा जाएगा और जगह माइनस हो जाएगा एक्स आयोटा, और ये माइनस हमारा जाके प्लस हो जाएगा ये जगह 4y। ठीक है, इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो सिंप्लीफिकेशन क्या होगी इसकी बेटा? अब यहाँ पे इस कंडीशन में हमने क्या किया कि यहाँ पर तो आपने इसको यहाँ पे मूव कर दिया, ये आपका यहाँ पे प्लस है और ये यहाँ पे क्या था माइनस था, इसको वहां से वहां किया, माइनस से वहां चला गया तो क्या हो गया प्लस हो गया। अब फिर इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे इस कंडीशन में मैंने यहाँ पे इस माइनस एक्स आयोटा को भी वहां शिफ्ट कर दूं अगर, तो ये कंडीशन क्या बन जाएगी आपकी, एक्स स्क्वायर प्लस 4xy आयोटा, ये माइनस में हमारे क्या हो गया प्लस हो गया, तो 4y इज इक्वल टू ये हमारे के प्लस हो गया एक्स आयोटा हो गया। ठीक है ना, अब इसके बाद क्या करें? अब इस कंडीशन पे हम करते हैं इसको कंपेयर। ठीक है ना, कंपेयर कैसे करते हैं? अगर देखें, मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये इस इक्वेशन टाइप बनी हुई ना, ये टर्म वाइज बना हुआ है, अगर मैं इसको पॉइंट में कन्वर्ट कर दूं तो पॉइंट में कन्वर्ट करूं तो ये पॉइंट क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर कॉमा आयोटा। जब भी आयोटा हटता है, यानी अगर मैं कहूँ कि ए प्लस बी आयोटा है, अगर मुझे इसको पॉइंट में कन्वर्ट करना है तो आयोटा ये बात शो करता है कि ये इमेजिनरी पार्ट है, तो ए जो है वो आपका रियल पार्ट है और इमेजिनरी पार्ट क्या है आपका बी है। तो इसका मतलब ये हो गया कि आपको अगर पॉइंट में कन्वर्ट करना है तो आपकी पॉइंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए कॉमा बी हो जाएगी। तो इसी तरीके से इसमें भी देखें तो यहाँ पे ए क्या है एक्स स्क्वायर है, और फिर बी क्या है आयोटा के अलावा क्या है 4xy, तो ये 4xy जो है ये आपका पॉइंट में क्या हो गया कन्वर्ट हो गया, लेफ्ट हैंड साइड पॉइंट में कन्वर्ट हो गई। अब राइट हैंड साइड पे आ जाओ, राइट हैंड साइड भी क्या होगी पॉइंट में कन्वर्ट होगी, इसका मतलब 4y कॉमा एक्स। ठीक है ना, तो ये कंपेयर कंप्यूट हो गया किसका आपका, बिल्कुल। तो अब क्या करें यहाँ पे, अब इसको करते हैं कंपेयर, कॉमे से पहले वाली वैल्यू कंपेयर हो जाएगी, यानी एक्स स्क्वायर जो है वो बराबर किसके हो जाएगा आपके 4y² के। अब देखें यहाँ पे जो था ये स्क्वायर पूरे पे था ना, ये स्क्वायर इस पे भी था, ये स्क्वायर, अच्छा ये जो था 4 2y आयोटा का स्क्वायर था 4y² था, ये भी 4y² है, ये भी 4y² है, ये भी 4y² है और ये भी 4y² है। ठीक है ना, आप कंपेयर करें इसको इससे कंपेयर कर रहे हैं तो ये क्या बन जाएगा आपका, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y². अगर मैं यहाँ से एक्स की वैल्यू निकालूँ तो एक्स की वैल्यू क्या होगी, एक्स की वैल्यू होगी इसका रूट लग जाएगा, तो प्लस माइनस 4 का रूट क्या होगा 2 होगा, वाई स्क्वायर का रूट क्या होगा वाई होगा, तो इसका मतलब एक्स की वैल्यू ये आ गई प्लस माइनस 2y। इसी तरह से अगर मैं इसको इससे कंपेयर करूं तो कंपैरिजन करना क्या हुआ, 4xy कंपेयर होगा एक्स से, तो एक्स से एक्स क्या हो गया रिमूव हो गया, वाई की जो वैल्यू है वो क्या आ गई 1/4 आ गई, वाई की जो वैल्यू है वो क्या हो गया 1/4, ये 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगी क्या हो गया डिवाइड हो गया, तो वाई की वैल्यू कितनी आ गई 1/4। अगर मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दूं तो इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट करें तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई प्लस माइनस 2, वाई की जगह पे 1/4, 2 1 2, 2 2 4, इसका मतलब एक्स की जो वैल्यू है वो प्लस माइनस 1/2 हो गई। तो बेटा यहाँ पे एक्स की वैल्यू भी आ गई और वाई की वैल्यूज भी आ गई। तो मैंने आपको दो तरह के इसमें सवाल करवाए कॉम्प्लेक्स नंबर की इक्वेशन के, कॉम्प्लेक्स नंबर की इक्वेशन में दो सवाल आपके पास कैसे थे, एक पॉइंट की कंडीशन थी और एक आपके पास दूसरी कंडीशन थी जिसके अंदर आपने उसको अलग अलग किया, होल स्क्वायर करके आपने पूरे को अलग किया। तो आई होप कि आपको ये वाली क्वेश्चन, आपका एडिटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, सॉल्व द कॉम्प्लेक्स इक्वेशन, ये के दोनों कंडीशन जिस तरह के सवाल पेपर में आते हैं उसके हर तरह के सवाल मैंने आपको करवा दिए। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में जो है हम इसका ये वाला क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इन क्वेश्चनों करके चैप्टर 2 को वाइंड अप कर देंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग बेटा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।